अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आदिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की प्रोफेसर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। मुलाकात करने वालों में चेयरपर्सन सोशल वर्क डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उज्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा डॉक्टर नरगिस अब्बास शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा क्रिमिनोलॉजी तुलबा के वफद का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वफद में शोबा क्रिमिनोलॉजी के उसातजा और 30 तुलबा और तालिबात शरीक थे। पंजाब भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 74,808 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,286 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया जबकि 56,145 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 510 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुलबर्ग लाहौर की बड़ी कार्रवाई। नौसरबाज उल्टी गैंग की दो खातून मुलजिमान गिरफ्तार। अटक थाना फतेहजंग पुलिस की 15 कॉल पर बरवक्त कार्रवाई। शहरी की गुमशुदा मोटरसाइकिल तलाश करके मालिक के हवाले कर दी। नारोवाल के इलाके में तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। तशद्दुद में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। रहीम यार खान थाना सहजा पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने डकैती की वारदात ट्रेस कर ली। दो मुलजिम गिरफ्तार। लूटी गई रकम भी बरामद। मुजफ्फरगढ़ थाना शेख सुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2100 ग्राम चरस समेत 20 लीटर देसी शराब बरामद। मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की प्रोफेसर्स की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात को पंजाब पुलिस के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी पॉलिसिंग की तरबियत देने बारे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अवामी आगाही मुहिम के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशन के इनकाद का फैसला। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस के अफसरान वॉलंटियर्स इन पुलिस और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम्स के तहत दोनों यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात को खसूसी तरबियत फराहम करेंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तालिबात को खसूसी लेक्चर्स के साथ फील्ड में अमली तरबियत के मौके भी मयसर आएंगे। तुलबा व तालिबात को पंजाब पुलिस के तमाम ऑपरेशन यूनिट्स का दौरा करवाया जाएगा। तुलबा व तालिबात सोशल वर्किंग प्रोजेक्ट्स के तहत विक्टिम सपोर्ट वॉलंटियर्स के तौर पर खिदमात देंगे। चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन दादे मनशियात के पायलट प्रोजेक्ट के तहत तुलबा व तालिबात वॉलंटियर्स इन पुलिस का किरदार अदा करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने शहरियों को खिदमात की फराहमी के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के इकदाम को सराहा। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा क्रिमिनोलॉजी तुलबा के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा किया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस तौसीफ सभी गोंदल और शिफ्ट कमांडर ने तुलबा को मुख्तलिफ शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी। वफ्त को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ई चलान सिस्टम की वर्किंग बारे आगाही दी गई। तुलबा को इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश के दौरान दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस बारे ब्रीफ किया गया। वफ्त को पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप की वर्किंग और इस्तेमाल बारे भी बताया गया। तुलबा को मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड और डेटा एनालिसिस सेंटर बारे भी बताया गया। इस मौके पर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन तौसीफ सभी गोंदल का कहना था कि सेफ सिटीज 20,000 से जायद मुकदमात में कानून नाफिज करने वाले इदारों को डिजिटल शवाहिद फराहम कर चुकी है। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 167, पंजाब यूनिवर्सिटी 157 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 170 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग जाहिद सलीम ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नौसरबाज उल्टी गैंग की दो खातून मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लेडी मुलजिमान में शमीम कोमल और वर्दा बीबी शामिल हैं। मुलजिमान रिक्शा में सवार होकर उल्टी करने के बहाने साथ बैठी सवारी के पैसे और कीमती सामान निकालकर फरार हो जाती थी। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने शहर में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान को सीसीटीवी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। अटक थाना फतेहजंग पुलिस ने 15 कॉल पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरी की चोरीशुदा मोटरसाइकिल तलाश करके मालिक के हवाले कर दी। मोहम्मद वसीम नामी शहरी ने 15 पर कॉल की थी कि इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिस पर थाना फतेहजंग ने फौरी रिस्पांस करते हुए मोटरसाइकिल तलाश करके मालिक के हवाले कर दी। नारोवाल के इलाके में तालिबे इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। नारोवाल पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मरकजी मुलजिम साकिब को गिरफ्तार कर लिया।
तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी नारोवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ नारोवाल का कहना है कि मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तमाम मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाएंगे। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल की क्यादत में पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सेजा पुलिस ने घरेलू डकैती की वारदात को ट्रेस कर लिया। मुलजिमान ने चेक 63 के रिहायशी मोहम्मद अरशद के घर डकैती की वारदात की थी। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। मुलजिमान से 1,50,000 रुपये नकदी बरामद कर ली गई। बरामद होने वाला माल मसरों का असल मालिक के हवाले कर दिया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जेर क्यादत मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ SHO थाना शहर सुल्तान की अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयां 2100 ग्राम चरस समेत 20 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई और मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान मुलजिम मोहम्मद जावेद से 2100 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम अब्दुल शकूर से 20 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवाला थाना बंद कर दिया गया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।